बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आम हम्माद अतीक हादी एंड हेयर टू डिलीवर द लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स, लेक्चर नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मोनोलिंगुअलिज्म। मोनोलिंगुअलिज्म इज अ वर्ड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री सेगमेंट, मोनो, लिंगुआ एंड इज्म। मोनो को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब होता है एक, लिंगुअलिज्म एक जुबान। तो इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि एक जुबान बोलने की सलाहियत को मोनोलिंगुअलिज्म कहते हैं। इट इज द कंडीशन ऑफ बीइंग एबल टू स्पीक ओनली अ सिंगल लैंग्वेज एज अपोज टू द मल्टीलिंगुअलिज्म। कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे सिर्फ एक ही जुबान बोली जाती है, वहाँ पे जाने के लिए हमें उनकी जुबान समझना बहुत ज़रूरी है। उनमें फ्रांस, थाईलैंड, हंगरी, टर्की किसी हद तक एंड ब्राज़ील। नेक्स्ट है हमारे पास बायलिंगुअलिज्म। बाय का मतलब होता है दो लिंगुअलिज्म, जुबान सीखना। जुबान जो है बायलिंगुअलिज्म इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल आर द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी टू यूज टू लैंग्वेजेस इफेक्टिवली। दो जुबानों को अच्छे तरीके से पुरअसर अंदाज में बोलना बायलिंगुअलिज्म कहलाता है। अब इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बन सकते हैं कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज बायलिंगुअल आर मल्टीलिंगुअल। 56% ऑफ यूरोप आर यूरोपियंस आर बायलिंगुअल, वाइल 38% ऑफ द पॉपुलेशन इन ग्रेट ब्रिटेन एंड 35% इन कैनेडा जो बायलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल है, एंड 17% इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर बायलिंगुअल। The next we are going to discuss about the types of the bilingualism. The first type of bilingualism is additive bilingualism. Additive bilingualism से मुराद होता है कि दो जुबानें at a time सीखना और balance way में सीखना, दोनों एक ही तरह से एक ही level पे सीखी जा रही हो, एक ही तरीके से वो यानी आसानी से speaker बोल सकता हो, दोनों को बोलने के लिए एक जितनी ही उसको दिक्कत का सामना हो या आसानी हो। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म। सब्ट्रैक्टिव बायलिंगुअलिज्म जो होती है वो किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर बोलना कि जहाँ की जो नेटिव टंग है वो डोमिनेटेड है किसी दूसरी जुबान से और उसको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता या बोला नहीं जाता और एक डोमिनेटेड लैंग्वेज आ जाती है, डोमिनेट करने वाली लैंग्वेज आ जाती है जो उस पर गलबा पा लेती है, तो वो लैंग्वेज भी बायलिंगुअलिज्म में आएगी। It refers to the situation where a person learns the second language to the detriment of the first language, especially in the first language is a minority language. Agar passive bilingualism, it refers to being able to understand a second language without being able to speak it. Dusri zuban ko samajhna likhne ki had tak to theek hai lekin bolna mushkil hota hai. Hum apni society mein dekh sakte hain ki mostly English jo hai wo लिखना आसान होता है और बोलना मुश्किल हो जाता है, तो ये पैसिव हो जाता है, पैसिव बाइलिंगुअलिज्म, जबकि हमने इसको लेके आना है एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म पे। नेक्स्ट हमारे पास है कोड स्विचिंग। कोड लैंग्वेज को कहते हैं स्विच करना, एक जुबान से दूसरी जुबान में चले जाना। इसको ये है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस भी या परफॉर्मेंस आप इसको कहेंगे। जब आप एक जुबान में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि उनके लिए कुछ मुश्किल हो रहा है, तो आप उस लैंग्वेज के अंदर आप कन्वर्ट कर जाते हैं, एक जुबान से दूसरी जुबान की तरफ आप चले जाते हैं स्टूडेंट्स की आसानी के लिए। कोड स्विचिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मूविंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू लैंग्वेजेस, एक जुबान से दूसरी जुबान में आना जाना, और बिटवीन टू डायलैक्ट्स आर रजिस्टर्स ऑफ द सेम लैंग्वेज, ऑल्सो कॉल्ड कोड मिक्सिंग एंड स्टाइल शिफ्टिंग। ये दोनों टर्म्स इंटरलिंक करती है आपस में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग लैंग्वेजेस को मिक्स करना। उर्दू के अंदर बहुत ज़्यादा इंग्लिश के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये कोड मिक्सिंग होता है। कोड मिक्सिंग रेफर्स टू द मिक्सिंग ऑफ टू आर मोर लैंग्वेजेस आर लैंग्वेज वराइटीज इन स्पीच। कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग जो है ये कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग जो है इंटरचेंजेबली है।
स्पेशली इन द स्टडीज ऑफ सेंटैक्स मोर्फोलॉजी एंड अदर फॉर्मल एस्पेक्ट्स। लेकिन हमने ध्यान में रखना है कोड मिक्सिंग, दो जुबानों को मिक्स करते ना, कोड स्विचिंग एक जुबान से दूसरी जुबान में शिफ्ट हो जाना। सो नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिग्लोसिया। इन सोशियो लिंग्विस्टिक्स आर सिचुएशन इन विच टू डिस्टिंक्ट वराइटीज ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पोकन विद इन द सेम स्पीच कम्युनिटी। एक ही कम्युनिटी है, एक ही इलाका है, तो वहाँ पे लैंग्वेज के दो डायलैक्ट बोले जा रहे हैं। यानी एक इलाका उसके अंदर अमेरिकन एक्सेंट भी बोला जा रहा है और ब्रिटिश एक्सेंट भी बोला जा रहा है, तो इसको हम डिग्लोसिया कहेंगे, बायलिंगुअल डिग्लोसिया। इट इज अ टाइप ऑफ डिग्लोसिया इन विच वन लैंग्वेज इज यूज फॉर राइटिंग एंड अदर फॉर स्पीच। राइटिंग के लिए एक जुबान और बोलने के लिए एक जुबान। जैसे हम पाकिस्तान के अंदर हमारा क्या है, बाइलिंगुअल डिग्लोसिया की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारे पास इंग्लिश है। सारा रिटन वर्क जो है वो पेपर वर्क इंग्लिश में होता है, जबकि बोलने के लिए हम उर्दू यूज करते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टी से मुराद एक, दो या दो से ज्यादा। मल्टीलिंगुअलिज्म इज द यूज ऑफ टू आर मोर लैंग्वेजेस ईदर बाय एन इंडिविजुअल स्पीकर और बाय अ कम्युनिटी ऑफ स्पीकर्स। People who speak several languages are also called polyglot. Polyglot की definition पूछी जा सकती है कि polyglot कौन होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा जुबानें बोल सकते हैं उनका हम polyglot कहते हैं। जी आज का lecture थोड़ा सा इसके अंदर चीजें याद रखने वाली थी, थोड़ा सा cram करने वाला था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा short कर दिया। इसको अच्छे तरीके से आप revise करें, बार बार सुने, तो अगले लेक्चर के अंदर जो है हम बहुत ही नई चीज़ें सीखने वाले हैं, वो होगा स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आपको इससे रोजाना पाला पड़ता है, ये छोटे बच्चों के हवाले से और लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से होगा, इसमें स्टेजेस बताई जाएंगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अल्लाह हाफिज़।